राइट टर्न करना है और जो कैफे है यहाँ पे, तो भाई सीधे अंदर चलते हैं पहले। इसमें भाई आपको कड़ी मिल जाएगी, ये आपका यहाँ पे कद्दू की सब्जी है, खीर है, यहाँ पहाड़ी चाय है वो आ चुकी है, और साथ में भाई झुरमुरे के और ये दाल के जो पकौड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजू कुरेती ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर से लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह में, जहाँ पे कि आज मैं आप लोगों को भाई जो पहाड़ी ट्रेडिशनल जो खाना है और एक जो ट्रेडिशनल नाम है वो सब चीज़ अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। पहले उससे पहले दिखाता हूँ, साथ में निकित है भाई, निकित हेलो, और पीछे जो है कि ये देखिए भावना जी भी रेडी हैं, हेलो नेहा, और चीनू भी रेडी है, प्रियंका जी भी रेडी हैं, और भाई आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधे ही, तो आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो के अंत तक जरूर देखें, तो सीधे ही चलते हैं भाई। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं भाई रायपुर, और यहाँ से हम लोग को राइट टर्न करना पड़ेगा जो रास्ता एयरपोर्ट वाला है, जो यहाँ से स्टेडियम वाला जो रास्ता है, और यहीं पे जो थानों हमें जाना है, और थानों से भाई लेफ्ट टर्न करके आगे एक सिरोन जो गांव है आगे, वहीं पे डिंडियाली रेस्टोरेंट, डिंडियाली कैफे करके भी आप, डिंडियाली होम स्टे करके भी आप सर्च मारेंगे, तो हम लोग भाई वहीं जा रहे हैं, और आप लोग बने रहें वीडियो में, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। यहाँ से भाई आप लोगों को टर्न करने ऊपर के लिए डिंडियाली जो रेस्टोरेंट है, और यहाँ से मात्र 5 मिनट का रास्ता और है, 5 मिनट आप लोगों को वहां तक जाने में लगेंगे, और रास्ता तो देखिए भाई घनघोर जंगलों के बीच में है, और भाई मैं कह सकता हूँ कि जो आनंद और जो शांति यहाँ की आप लोगों को मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिल सकती, लाजवाब है, जन्नत है भाई, माँ कसम यार भाई। भाई यहाँ आकर के तो ना मेरे को भाई उसी दिन वाली फीलिंग आ रही भाई निकित, जिस दिन वहाँ फंस गए थे जहाँ हाथी मिला था भाई रास्ते में, और उस दिन भी ऐसी हुआ भाई हम गलत रास्ते चले गए थे, लेकिन ये रास्ता सेफ है क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। हम उस दिन जब हम कौन से सिधु से आ रहे थे, लक्ष्मण कालू सिधु से आ रहे थे, श्री कालू सिधु से, तो जंगल में लोगों ने गलत रास्ता में भेज दिया था, तो वहाँ पे तो भाई सुनसान था पूरा और हाथी दिख गए थे, लेकिन ये रास्ता सेफ है क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, फॉरेस्ट वाले भी यहाँ पे रहते हैं, तो ये देखिए सामने जंगली हाथी नहीं, नहीं तो गाय है गाय गाय। अब यहाँ से किधर जाने थे, सीधे सीधे सीधा लिखा दो वहाँ पे सीधा है। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो डिंडाली जो रेस्टोरेंट है और जो कैफे है यहाँ पे, तो भाई सीधे अंदर चलते हैं पहले और अंदर जा करके दिखाते हैं आपको यहाँ की चीज़ें। भाई ये है यहाँ पे यहाँ का मेडिटेशन हॉल जो साधना कक्ष है, तो भाई अंदर जाते हैं और दिखाते हैं अंदर भी आपको, सीधे अंदर जा झुक के चलना पड़ेगा भाई यहाँ तो, और आप लोग भाई यहाँ पे बैठ करके आराम से जो है कि अपनी साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पूरा ये काफ़ी बड़ा हॉल यहाँ पे बनाया गया है, और भाई बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पहले हुआ करता था। हम लोग भाई डिंडाली भाई भजन पहुंची जाओ, और भाई साहब से बात कर ला तो कि कनापक जो भाई जी एक माँ आना मतलब विचार मणियर कनापक दिमाग में आइडिया है कि भाई हम लोग एक माँ एनकोर से दाकेपुर जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज और हमारे जो पहाड़ी ट्रेडिशनल जो खाना पीना छीन या जो चीज़ से धरोहर छीन होता हम जिंदा रख सकता भाई। मेरे नाम अरविंद नेथानी जो हमें पॉडी बटीन मेरे बहुत नेथानी से, तो क्योंकि मन में चीज़ है कि हमारा पहाड़ा प्लान से होगा लोग नहीं सहेंगे रोजी रोटी खाता,
एज कुछ जैसा रोड छः नहीं वगैरह कर रहा था कुछ जो गर्म छः तो लोग तो हमने कोशिश करी कि कुछ जन करी जाओ शहर के पास जो हमारी नई जनरेशन है वो आपको देख सका कि हमारा पूर्व का मन था कन खान था क्या उनका कूड़ा होन था क्या उनका बर्तन होता भाना होता क्या वो खान था। इस खातर हमने ये प्रयास करी कि जो पास बिटवीन गाँव जो लोग शहर रहते हैं वो आस पास देख सकते क्योंकि लगे डिस्टेंस बहुत होगी नौकरी रोजगार छः तो कोई ऐसे दूर आठ घंटे चाहे क्या टाइम छा ये वास्ते हमने ये प्रयास करी कि हम उस पहाड़ पर उठाए कि मिस नहीं आए ये पूर्व पूर्व पहाड़ को मॉडल तो अपने घर टोड़ी हम फिर क्या दोबारा समर करेंगे। तो नैथानी जी रिस्पॉन्स कर मिले मन लोगों तो आप देख के आपने शायद हाँ, अपन दो चार लोग पूछ भी रहे आपकी क्या लगता है फील्ड पता उड़ जाते हैं कि खाना ठीक मन लगे और आप हमसे बता रहा तो हम भी उस कुछ और करते हम भी देहरादून पैदा हुए हमने तो कोशिश प्रयास करी तो हम भी यही पैदा हुए दादा लोग हमारे आगे था तो हमने प्रयास करी तो हो सकता है बहुत अच्छा था कर पाए हम लोग क्योंकि हम तो भी इतना पता नहीं पर प्रयास हमारा ये छो कि नई जनरेशन था वो अपने जड़ों से जुड़ सके अपने जो भी संस्कृति से फील कर सके जी रह भी सकते हैं होम स्टे भी चाहिए हो इसलिए कराया कल ज्यादा मतलब मन चाहिए रह भी रह के भी सकते होंगे तो नैथानी जी जो एक भाई पूर्व जो हमारे एक गांव का घर गांव जो पहाड़ की फीलिंग है जो घर होना चाहे पहले यो बिल्कुल आप देख रहे होंगे लिपाई देख रहे होंगे ये मिट्टी और गोबर से जो होती थी पहाड़ों में वन्नी भाई एक बनाई थी और ऊपर आप इसके देखेंगे तो पठाला लगे आचन भाई मती छत में जो है इसके ऊपर पठाले लगे हुए हैं और ये भाई हमारा एक ट्रेडिशनल जो गांव में होता था ये सब बिल्कुल वैसे ही है बिल्कुल बैठे के सब बात करता था और सबसे बात क्या है कि आध्यात्म बहुत जरूरी है आप निकलना आप तो आप बैलेंस भी होंगे आप भौतिक अंदर से भी तो रहना पड़ेगा और हम जन हमारे चौसूस हो फाणुस हो प्रणाली साग था सब कोशिश करता कि जो जो हमारे पहाड़ के सोने में नहीं हो बिल्कुल कहानी तो खत्म हो गई अब लोग कुछ ही लोग जान दो बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं होता दोबारा जीवित जीवित किया जाए उस सजो जाए जी जी प्रयास में आप जन लोगों में आनंद वो लोग ये होता है इस प्रयास को आगे बढ़ा लेंगे आप लोग धन्यवाद के पात्र कि लोग तो ये पात्र पहुँचो नए जनरेशन वापस अपने जुड़ो बाहर ना करें नौकरी करें आज के लिए बहुत काम है गवर्नमेंट काफी काम करने लगे तो नए बच्चा था ना वो अपने जो कूड़ा खनवा रहे हैं ठीक करेगा अपने भविष्य चला सको रोजगार मिलू अपना घर भी ठीक होना। अच्छा नैथानी जी अगर कोई भी एक आना चाहो तो आप दर्शक होता है अगर जो भी जग भी अगर वीडियो जग तक भी पहुँचे जो जो लोग भी वीडियो देखा लगा एक आना चाहो तो आप रास्ता एड्रेस होता है एक बार बताइए हम क्या करें थानो गांव पढ़ दो एयरपोर्ट के पास थानो में सीरियो गांव पढ़ दो तो आप डिटेल उसे डालना गूगल में आप सब मिल जाओ नेटवर्क मिल जाओ आप तो मिल जाओ गूगल मैप मिल जाओ आप जगह मिल जाओ जन आप डिटेल उसे डालना गूगल में तो आप तो मिल जाओ। तो जो यहाँ पे नैथानी जी हैं इन्होंने यहाँ पे जो हमारी पहाड़ की जो संस्कृति है और पहाड़ का हमारा जो एक कल्चर है उसको बचाने का यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रयास किया है और इन्होंने जो है कि यहाँ पे पूरा एक जो माहौल यहाँ पे जो क्रिएट किया है जो माहौल बनाया है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे आकर के अपने शहर में आकर के भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप शहर के बीच में रह रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों वाली और घर गाँव वाली यहाँ पे आके फीलिंग आने वाली है। तो आप लोग भाई जहाँ भी रहते हैं और यहाँ पे आना चाहें और पहाड़ी खाने का और पहाड़ देखने का और पहाड़ की परंपरा को जानने का आप लोग शौकीन हैं और उस चीज़ में आप लोग विश्वास रखते हैं या उस चीज़ को आप लोग मतलब महसूस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे डिंडाली में ज़रूर आएँ। ये मात्र शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे आप लोगों को पड़ जाएगा चाहे आप रायपुर से आएँ चाहे आप ऋषिकेश से आएँ हरिद्वार से आएँ कहीं से भी आएँ थानों आपको इजीली एयरपोर्ट के पास में थानों आपको इजीली पड़ जाएगा और डिंडाली रेस्टोरेंट करके डिंडाली होम स्टे करके या डिंडाली कैफे करके भी ये नेट पे डालेंगे कुछ भी तो यहाँ पे आप लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नैथानी जी धन्यवाद और हम लोग तो कोशिश करें भाई कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल खाना वाना जो खाना तो स्वाद बहुत बढ़िया और जो बात जो गोद चोल खान था बोर में खाते होते आज क्या होगी गेहूं की 30 रुपए किलो गोद 80 रुपए किलो जबरो को जाएगी मिलने में वापस रूट पर क्या है आप तो ये बिल्कुल मोटाना जो था बहुत हेल्दी होता था और पौष्टिक इसमें जितने भी न्यूट्रिशनल सारे न्यूट्रिशन बड़ा बड़ी चश्मा हो रू ना काम काम कर लेंगे सर सुंदर खाना खाए जैविक खाना खाए बिल्कुल सर बिल्कुल
बहुत बहुत आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे आते ही रहेंगे, बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हमारी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और काफ़ी यहाँ पे जो हमारा एक जो आपका एक प्रयास है ये बहुत सफल हो और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचे। आप लोग तो मिलना लग हमारे प्रयास को एक सब दे रहे हैं, उसके लिए आप बहुत धन्यवाद पात्र हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद भैया। यहाँ पे होम स्टे इन्होंने इसको बनाया है और होम स्टे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेड प्रॉपर लगा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फैन ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और बहुत मतलब एक बिल्कुल लुक जो है कि पहाड़ी लुक और गांव का आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी भाई। घर गाँव में ये नहीं होना कि छोटे छोटे कमरा होना चाहिए, छोटे छोटे घर होने चाहिए और भाई सब चीज़ विजन भाई फीलिंग मज़ा आ गया है वाकई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आले वगैरह खिड़कियाँ वगैरह सब वैसी मिलेगी आपको, नेचुरल बिल्कुल ओरिजिनल आपको यहाँ पे फीलिंग आने वाली है भाई, देखिए आप। सो गाइज हम लोग हैं भाई समय डिंडाली में और भाई आज एक खास दिन भी है जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। तो भाई हाँ, तो आज हमारे लिए तो बहुत स्पेशल डे है, आज है मिस्टर कुकरेती जी का हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे कुकरेती जी। धन्यवाद जी। और भाई इन लोगों ने छोटा सा कोई प्रोग्राम रखा है शायद केक का, तो भाई चलते हैं नीचे, पहले केक काटते हैं उसके बाद सरप्राइज केक लेके आए लोग, तो नीचे देखते हैं इनके लिए। तो भाई नीचे जाके केक वेक काटते हैं और फिर खाना खाते हैं और बाकी की चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो गाइज भाई हमारी यहाँ पे जो है थाली लग चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें भाई आपको कढ़ी मिल जाएगी, ये आपका यहाँ पे कद्दू की सब्जी है, खीर है, यहाँ पे उड़द की पहाड़ी जोड़ राजमा की दाल है और यहाँ पे देखिए पहाड़ी चावल जो लाल वाले होते हैं, सलाद यहाँ पे मिल जाएगा, रायता यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में रोटी मंडवे की रोटी यहाँ पे मिल जाएगी, गेहूं की रोटी भी यहाँ पे मिल जाएगी और चटनी भाई चटनी का तो लाजवाब हो, इसका टेस्ट तो बहुत सुंदर था भाई। इसको तो मैंने एक बाइट खा के देखता हूँ पहले भाई, अभी मैंने लिया था तो बहुत ही सुंदर इसका जो आनंद आ रहा था, चटनी साथ में ले लेता हूँ भाई। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और नीचे आ गया हूँ और वही अभी भी बातों में लगे हैं। सो गाइस चलते हैं थोड़ी देर में भी ऊपर। पे आप देख सकते हैं कि खाना पीना के बाद अब यहाँ पे स्पेशल जो पहाड़ी चाय है वो आ चुकी है और साथ में भाई झंगोरे के और ये दाल के जो पकौड़े हैं इसका तो टेस्ट ही भाई लाजवाब है, ये सब भी अभी आनंद दिया जाएगा इस सब अभी। सो गाइज भाई चाय पकोड़े जो है यहाँ पे हो गए हैं और भाई बड़ा ही स्वादिष्ट जो टेस्टी था यहाँ पे भाई रसायन आ गई सच में यार रास्ते यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा डांस वांस किया जाएगा नीचे जा करके और बस डांस वांस करते हैं। सो गाइज भाई डिंडाली हमने पूरा भ्रमण कर लिया है, यहाँ का ट्रेडिशनल जो खाना था भाई बहुत लाजवाब था और यहाँ पे जो नैथानी जी का हमारा प्रयास है वो भी बहुत सराहनीय है कि भाई वो जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता और जो हमारे पहाड़ के रीति रिवाज और जो कल्चर है उसको बचाने के लिए भाई यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। तो भाई होप सो इन्जॉय किया सब लोगों ने, होप सो कि सब लोगों को भी वीडियो पसंद आएगी और आज की वीडियो को भाई यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप सब लोगों का वीडियो में बनने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ भाई बहुत जल्दी नई जगह में, नए कंटेंट के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।